हेलो, जय हिंद एवरीवन, सभी को जय हिंद। आज आपको एक और अच्छी न्यूज लेके सामने आया हूँ दोस्तों। टेरिटोरियल आर्मी, हाँ जी टेरिटोरियल आर्मी, इसके बारे में बहुत बंदे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। 2019 में लास्ट में इसकी वैकेंसी आई थी, अब सीधा 2024 में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। सभी यूनिट्स की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, माधोपुर पंजाब, लुधियाना पंजाब, कालका हरियाणा, न्यू दिल्ली। आप डेट चेक कर सकते हैं दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, 10 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक ये भर्ती रहने वाली है दोस्तों। इसमें माधोपुर पंजाब और लुधियाना, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भाग ले सकते हैं, कालका हरियाणा और न्यू दिल्ली। इसमें हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़, पंचकुला एंड डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, पंजाब एंड सिटी दिल्ली, हरियाणा पंचकुला, इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम में दी गई है दोस्तों कि कौन से इन्फेंट्री बटालियन में कितनी वैकेंसी देख सकते हैं आप दोस्तों। सोल्जर जीडी 515, 239, 260, कलर की बहुत कम वैकेंसी है, फिर भी बहुत अच्छे फार्म इसमें अप्लाई होंगे दोस्तों। आप सीधे ही अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपने अपने सेंटर पर पहुंच जाइए दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें आठवीं बेस पर भी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। ड्रेसर मसालचे हाउस की प्रोवोसरमैन। चलो दोस्तों और देखते हैं अपन नीचे। 10 नवंबर से अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, आप देख सकते हैं दोस्तों सारी यूनिट्स की वैकेंसियां निकल चुकी है और इसमें फिजिकल फिटनेस देख सकते हैं दोस्तों आप। 18 से 30 साल की उम्र के जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, 5.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा और सेट मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और इसमें 5.5 मिनट से 5:45 तक 40 मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और अगर किसी भी विद्यार्थी और या कैंडिडेट ने 5 से 46 सेकंड में अगर रेस कंप्लीट करता तो उसको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। 31 से 42 की उम्र में 6 मिनट 15 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है और उसको सेट मार्क्स मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक जो भी कैंडिडेट इसमें 1600 मीटर को कंप्लीट करेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। 6.5 मिनट से अब वो करता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये देखो इसमें पुशअप देख सकते हैं आप, 10 पुशअप लगाते हो तो आपको 40 मार्क्स, 9 पुशअप लगाते हो तो 33 मार्क्स, 8 पुशअप लगाते हो तो 27 मार्क्स, 7 पुशअप लगाते हो तो 21 मार्क्स और 6 पुशअप लगाते हो तो 16 मार्क्स, 5 और 5 से नीचे लगाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। रिटर्न बहुत ही आसान होता है दोस्तों इसमें। जर्नल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन, सभी में एक ही पैटर्न रहता दोस्तों। हरियाणा वालों की भी इसमें अच्छी न्यूज आई है, देख सकते हैं दोस्तों। रोहतक, कुरुक्षेत्र, पलवल, झज्जर, अंबाला, गुड़गांव, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी डेट के अनुसार वहां पर अपने सेंटर पर पहुंच के अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छी से मेहनत करो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप टीए आर्मी भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है। और हाइट भी बहुत कम मांगी गई है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट और चेस्ट 82 सेंटीमीटर आपकी हाइट चेस्ट होनी चाहिए। और अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन और किसी का पिता वर्ल्ड वार में मारा गया है उसको 2 सेंटीमीटर हाइट में और 2 सेंटीमीटर 2 किलोग्राम वेट में और 1 सेंटीमीटर हाइट में छूट देने वाले हैं। और स्पोर्ट्समैन को भी 3 सेंटीमीटर हाइट में छूट, 3 किलोग्राम में छूट और 3 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट में छूट देने वाले हैं। इसमें है सबसे मेन बात है आप दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 8वीं पास है तो 8वीं का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिए दोस्तों, बनवा लीजिए अगर नहीं बना तो किसी भाई का, कॉस्ट सर्टिफिकेट,
रिलीजन सर्टिफिकेट, सिख हिंदू मुस्लिम जो भी आप जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हो उससे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर कोई भी भाई अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, पर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, 20 फ़ोटो आपको लेके जानी है दोस्तों, पर वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो सभी की भर्ती आ चुकी है ऑल इंडिया, कहीं से भी हो तो आप भर्ती में जा सकते हो। जयपुर, दानापुर, जबलपुर, कालका, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, झारखंड, शिलोंग, सब तो आप देख सकते हो दोस्तों। और अच्छी मेहनत करके आप इसमें सफलता प्राप्त करें, मेरी आपसे यही विनती है। जय हिंद, जय भारत।